गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास सेवेंथ कबीर के दोहे जैसा कि मैंने स्टार्ट कर दिया था और 3 तक आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग उसके बाद की पढ़ाई को देखेंगे, ठीक है। ये आप लोगों का 4th है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पढ़न रहन दो म्यान। इसमें कबीर दास का कहना है कि हमें साधु की जाति अर्थात उसके वेशभूषा रंग रूप से कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उससे हमें भेदभाव नहीं करनी चाहिए कि वो किस जाति का है, बल्कि उसके अंदर जो ज्ञान बसा हुआ है उसकी हमें जानकारी लेनी चाहिए और अपने में समाहित करना चाहिए, उससे ज्ञान भरी बातों को पूछना चाहिए। मोल करन दो तलवार का अर्थात जब हम लोग तलवार खरीदने जाते हैं तो हमें तलवार की गुणवत्ता को देखना चाहिए, ना कि तलवार को रखने वाले म्यान को। म्यान किस तरह का है, उसके रंग, उसका आकार किस तरह का, वो हमें नहीं देखना चाहिए, बल्कि तलवार से हमें काम करना है तो उस तलवार की गुणवत्ता को देखनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से हमें साधु की जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसके हमें ज्ञान से फर्क पड़ता है, तो हमें उसके ज्ञान को अपनाना चाहिए। दूसरा है, सोना सज्जन साधु जन, टूटे जुड़े 100 बार। दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एके कर धरा दरार। अर्थात इसमें बताया गया है, कबीर दास ने बताया हमें कि सोना की गुणवत्ता अर्थात सज्जन और साधु जन की गुणवत्ता सोने की तरह होती है, कि सोना सज्जन और साधु जन अर्थात हमारे जो मित्र होते हैं, अच्छे मित्र होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं हमारे, जो हमारा भला चाहते हैं, वे हम बार बार टूटकर भी सोने के समान टूटते हैं, लेकिन फिर वे आपस में जुड़ जाते हैं। अर्थात सोना जब टूट जाता है तो उसे गला करके एक में मिला देते हैं और उससे कुछ नई सामग्री बन जाती है, तो उसका टूटना पता नहीं चलता है। उसी तरह से सज्जन और साधुजन भी होते हैं, जो हमारे मित्र होते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वो सोने के समान व्यवहार रखते हैं, बार बार टूटने के बावजूद भी हमसे जुड़ जाते हैं। लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं उनकी स्थिति क्या होती है, तो कुम्हार के बर्तनों के समान उनकी स्थिति होती है। दुर्जन लोग ऐसे होते हैं जो बार बार टूटने के बाद जुड़ते नहीं हैं, उनमें दरार पता चलता है। जिस तरह से कुम्हार के बर्तन अगर टूट जाता है, उसे जोड़ते हैं तो उसमें दरार पता चलता है कि यहाँ ये यहाँ से टूटा हुआ है, उसी तरह से दुर्जन की संगति होती है। टूटने के बावजूद अगर उसे कितना भी जोड़ा जाए तो उसमें कुछ ना कुछ अंश बचा हुआ रहता है और बार बार दरारें पड़ती रहती हैं, ठीक है। उसके बाद है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। अर्थात इसमें कबीर का कहदास का कहना है कि आप कितना भी पोथी ग्रंथ पढ़ लें, महाग्रंथ पढ़ लें, पुस्तकें पढ़ लें, आप पंडित नहीं हो सकते। अगर आप पढ़ रहे हैं, पुस्तकें पढ़ रही हैं और आपके वार्तालाप में अर्थात आपकी वाणी में मिठास नहीं है, वो प्रेम नहीं है जिससे लोग आपके प्रति आकर्षित हो सके, आपसे बातचीत कर सके, तो उस तरह से पंडित होने से अर्थात मोटी मोटी पुस्तकें ग्रंथ पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं है। जो ढाई आखर प्रेम का पढ़ते हैं, अर्थात जो कम पढ़ते हैं और अपनी वाणी में शुद्धता रखते हैं, वाणी में मिठास रखते हैं, उनके पास सभी व्यक्ति जाते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे पशु पक्षी भी हो। वो पशु पक्षी भी क्या है, तो प्रेम की भाषा को समझते हैं, मीठी वाणी को समझते हैं, और अगर हम उनसे दुत्कारते हैं तो वो हमारे पास नहीं आते हैं। इसी तरह से पंडित होने से कोई फायदा नहीं है अगर आपके वाणी में मिठास नहीं है। इसलिए हमें अपनी वाणी में मिठास रखनी चाहिए, वाणी में शुद्धता और प्रेम का रस रखना चाहिए, ताकि आपसे सभी प्रेम पूर्वक बात कर सके। लास्ट है,
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई। जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोई। इसमें कबीरदास का कहना है कि जो व्यक्ति दूसरे की बुराइयों को देखने चलते हैं, खोजते हैं कि वो व्यक्ति उतना बुरा है, ये व्यक्ति इतना बुरा है, इस व्यक्ति में ये सब दुर्गुण हैं, इस तरह से करना बेकार है। हम लोग दूसरे की बुराइयों को क्यों ढूंढते हैं? जब हम उंगलियां निकालते हैं दूसरे पर, तो सिर्फ एक उंगली ही उसे दिखाते हैं कि हाँ ये व्यक्ति बुरा है या फिर ये व्यक्ति गंदा है, लेकिन सारी आपके हाथों की सारी उंगलियां, बाकी की सारी उंगलियां आपकी और इंगित करती हैं और बताती हैं कि आप में भी उससे ज़्यादा बुराई है। इसलिए दूसरों की बुराइयों को मत देखें, खुद में जो आप लोगों की बुराई छुपी हुई है, हम में जो बुराई छुपी हुई है, उसे निकालें और दूर करें। इस तरह से कहना है कबीरदास का कि दूसरों की बुराइयों को ढूंढने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपके अंदर जो बुराइयां हैं आप उसे देखें और उसे मिटाने का प्रयास कीजिए। इस तरह से बच्चों ये चैप्टर तो आप लोगों का खत्म हुआ। इसका प्रश्नोत्तर थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। इसमें है सबसे पहला है सही गलत का निशान लगाना है। तो देखिए क में है कि प्रेम की भाषा बोलने वाले ही पंडित होते हैं, तो सही। निंदा करने वालों को दूर रखना चाहिए, सही। अपने से दूर रखना चाहिए निंदा करने वालों को, कोई भी बात सोच समझ के बोलनी चाहिए, ये भी सही है। और सज्जन व्यक्ति जुड़ता रहता है, जबकि दुर्जन व्यक्ति टूटता है तो जुड़ता नहीं, ये वाक्य भी सही है, ठीक है। पठित पाठ में कौन सा दोहा आपको अच्छा सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो इसे आप लोग खुद ही लिखिएगा कि आप लोगों को जो भी दोहा पसंद आया हो उसे आप लोग उतार करके और लिखिएगा कि क्यों अच्छा लगा, ठीक है। थर्ड है कबीर के उस दोहे का उल्लेख कीजिए जिसमें सज्जन साधुजन और सोने की तुलना की गई है। तो इसके आंसर में लिखिएगा कि सोना सज्जन साधुजन टूटे जुरे सौ बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार कैम ऐके करा धरा दरार, ठीक है। थर्ड के आंसर में ये आप लोगों को दोहा लिखना है, ठीक है। उसके बाद है कबीर के दोहे जीवन उपयोगी में व्यवहारिक शिक्षाओं से भरे पड़े हैं, पाठ के आधार पर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग इसके आंसर में लिखेगा कि संत कबीर दास ने हमारे जीवन और व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत सारे दोहे लिखे हैं और हमें बताया है कि हमें जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, जो बुराई करने वाले लोग होते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए और अपने घर को भी उन लोगों से दूर रखना चाहिए, ठीक है। नहीं तो हमारे शरीर पर भी और हमारे मस्तिष्क में भी दुर्जन की भावना अर्थात गंदगी भर जाएगी, तो उसे कितना भी साफ करेंगे तो वो अंत में नहीं जाएगा। इस तरह से हमें दुर्जन लोगों से दूर रहना चाहिए और सज्जन लोगों से मित्रता करते हुए उसे उसके ज्ञान को पूछना चाहिए। इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिखेंगे। थर्ड है हमें काम को कल के भरोसे क्यों नहीं टालना चाहिए? तो इसके आंसर में लिखेगा कि कबीरदास ने ठीक ही कहा है कि हमें अपने काम को कल के भरोसे नहीं टालना चाहिए, बल्कि जो हमारा काम है उसे आज और अभी ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ना जाने कल वो दिन आएगा या फिर नहीं आएगा। इसलिए हमारा जो काम है उसे आज ही और अभी ही कर लेना चाहिए। कल का समय दूसरे काम के लिए होता है और दूसरा काम करना चाहिए, इसलिए जो काम हमें मिलता है उसे तुरंत ही खत्म कर देना चाहिए और आलसपन नहीं करना चाहिए। इस तरह से ये प्रश्नोत्तर खत्म हुआ है। थोड़ा सा व्याकरण है, ये आप लोग स्वयं भी बना सकते हैं। इस तरह से बच्चों ये चैप्टर खत्म होती है। नेक्स्ट डे आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर चलेगा, ठीक है। थैंक यू।